Hey everyone, welcome to Spill Bill. Let's talk about the ugly reality of this beautification industry, जहाँ पे makeover जैसे services दिए जाते हैं। एक recent case सामने आया है कर्नाटका का, जहाँ पे makeover process के लिए bride खुशी खुशी गई थी parlor में, but end में parlor से directly वो hospital में जाके admit हो गई। हर साल न जाने कितने ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे अनसर्टिफाइड लोग कुछ भी प्रोसीजर्स अपने क्लाइंट पे करते हैं एंड एंड में क्लाइंट हैज टू सफर। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि एक लेडी थी जिसकी शादी फिक्स हो गई थी। शादी के जस्ट कुछ दिन पहले शी डिसाइडेड टू गो फॉर अ मेकओवर सेशन। एक पार्लर था एंड इस पार्लर में फेशियल्स वगैरह के साथ साथ मेकअप भी किया जाता था, प्लस स्पा सर्विसेज भी दिए जाते थे। सो द ब्राइड डिसाइडेड टू गो देयर एंड डू अ स्पेशल मेकओवर सेशन। ये मेकओवर सेशन के दौरान वहाँ की जो ब्यूटिशियन थी ना, उसने ब्राइड को बोला कि एक नया टेक्निक उसने लाया है जो एक इफेक्टिव मेकअप स्टाइल है। इस टेक्निक में मेकअप किया जाएगा फेस पे एंड साइड बाई साइड स्टीम भी दिया जाएगा। तो वो जो ब्यूटिशियन थी उसने ये टेक्निक को नाम दिया स्टीम मेकअप का। अभी व्हाट हैपेंड वाज कि ये सजेशन सुनने के बाद वो जो टू बी ब्राइड थी ना, उसने हाँ बोल दिया, जिसके बाद वो ब्यूटिशियन जो थी ना वो ब्राइड पे फाउंडेशन लगाने लगी एंड देन उसे स्टीम लेने के लिए कहा गया। आफ्टर अप्लाइंग फ्यू लेयर्स ऑफ मेकअप विद स्टीम, ये ब्राइड का जो फेस था ना वो जलने लगा। बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ इवन उसका जो फेस है ना वो स्वेल होने लगा। विद इन फ्यू मिनट्स उसके फेस पे रैश एंड ब्रूजेस दिखने लगे एंड स्किन सडनली उसका डार्कन हो गया, जैसे जलने पे चीजें होती है ना वैसे। अभी फॉर्चुनेटली उस वक्त पे ब्राइड के फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ थे एंड ये हालत उसकी देख के अर्जेंटली वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में ब्राइड की हालत देख के इसे इमरजेंसी केस की तरह ट्रीट किया गया। डॉक्टर्स ने उसे तुरंत ट्रीट करना शुरू किया एंड सिचुएशन को कंट्रोल में लाया। ब्राइड का कंडीशन अभी आउट ऑफ डेंजर था, बट उसका जो फेस था ना वो ब्रूजेस से भर गया था। इवन उसका जो स्किन का कलर है ना वो भी चेंज हो गया था। अभी ग्रूम एंड उसकी फैमिली ने जब ये देखा तब दे डिसाइडेड टू कैंसिल द वेडिंग। पोस्टपोन नहीं, डायरेक्ट कैंसिल। बट ब्राइड की फैमिली ने उन्हें समझाया एंड बोला दैट जब ब्राइड का फेस हील हो जाएगा तब शादी कराएंगे, शादी कैंसिल मत करो, पोस्टपोन करो। तो नाउ द मैरिज इज पोस्टपोन एंड वो ब्यूटिशियन के अगेंस्ट केस भी फाइल किया गया है। ये इंसिडेंट्स के बारे में इसलिए आई एम स्पीकिंग क्योंकि पास्ट में भी जब ये पॉइंट आई हैव रेज्ड कि कई सिटीज में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना प्रॉपर सर्टिफिकेशन कैसे अजीब प्रोसीजर्स करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, तब उस वक्त पे कई ऐसे लोग थे हुए स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग कि ऐसी चीजें होती है पार्लर में, ऐसे सीवियर रिएक्शंस होते हैं। Instead, they were defending such people. See, here we are not talking about qualified practitioners. जो qualified होता है ना ऐसे experiments नहीं करता, foundation लगाओ फिर steam ले लो। They know what they are doing. हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनके पास proper certificates नहीं होते, जिनको allowed नहीं होता ऐसा procedure करना, फिर भी वो करते हैं। एंड हो सकता है आप में से कई लोग well developed area में रहते हो, जिस वजह से ऐसे लोगों से आपका encounter नहीं होता होगा। बट आज भी कई जगह पे ऐसे पार्लर्स हैं जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते। कई ब्यूटिशियंस अपने मर्जी से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं क्लाइंट पे जिसका नॉलेज भी उन्हें नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स में केमिकल्स इतने हार्श होते हैं कि इट इज नॉट सेफ टू यूज अगर आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो। एंड लास्ट कुछ ही सालों में लोगों को ये समझ आया कि पार्लर का कंसेप्ट अलग होता है एंड मेकअप आर्टिस्ट का थोड़ा अलग। वरना पहले के जनरेशन को आप पूछोगे ना, उन्हें कुछ भी कराना होता, मेकअप, हेयर कटिंग या फेशियल या हेयर स्टाइल, तो वो पार्लर में ही जाते जो उनके लोकल एरिया में होता। पार्लर वाली पर्सन ही उनका फेशियल करती, मेकअप करती, आईब्रो करती एंड पिंपल का भी इलाज वो ही देती, डर्मेट नहीं देता। अभी जाके ये सर्विस इंडस्ट्री का सेग्रीगेशन लोगों को समझ आ रहा है कि डर्मेट अलग होता है, ब्यूटिशियन अलग होती है एंड मेकअप आर्टिस्ट अलग रहता है। एंड मेकअप आर्टिस्ट का क्योंकि पॉइंट निकला है तो और एक इशू को यहाँ एड्रेस करते हैं। बीच में एक पेज मैंने देखा था जिसका नाम था मुआ स्कैम। इसमें कई अलग अलग कंट्रीज के लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दिखाई दिए दैट कैसे मेकअप आर्टिस्ट ने या तो उन्हें स्कैम किया है या तो वो लोग इतने डिमांडिंग थे दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू डील विद देम। कई केसेस इंडिया से भी होंगे इसमें। एंड एक रिपीट इशू यहाँ पे मुझे ये भी देखने मिला दैट ट्रायल लुक के लिए वो आर्टिस्ट क्लाइंट को काफी एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, लाइक ऑलमोस्ट जितना ब्राइडल लुक का चार्जेस होता था ना उसके आसपास ट्रायल लुक के लिए भी वो लोग चार्ज करते। सी आई अंडरस्टैंड दिस कि मूवर्स जो होता है वो ऑफकोर्स उनके स्किल्स के हिसाब से चार्ज करते होंगे उनके क्लाइंट्स को एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। एंड में क्लाइंट का डिसीजन है टू हायर देम और नॉट, उनके बजट में वो लोग बैठ रहे कि नहीं। बट एक नया ट्रेंड अभी देखने मिल रहा है जहाँ पे एक डिमांडिंग एनवायरमेंट हो गया है। जैसे ये चैट अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ब्राइड से डिमांड किया जा रहा है कि मिनिमम 4-स्टार होटल में ही स्टे करना है, उससे नीचे का होटल इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दैट मुआ। प्लस हर दिन का जो फूड एक्सपेंस होगा वो मिनिमम इतना होगा, तो दे शुड पे फॉर दैट ऑल्सो। देखो, एक ब्राइड अगर मेकअप आर्टिस्ट को किसी और स्टेट से बुला रही है या दूर से बुला रही है तो नॉर्मल सी बात है कि ट्रैवल एंड अकोमोडेशन का खर्चा ब्राइड को ही उठाना पड़ेगा। बट ऐसे डिमांड्स जो मुआज रखते हैं ना कि हाई एंड होटल में उन्हें रहना है, फूड का रोज का इतना होगा, यू हैव टू पे, दैट इज अब्सर्ड। यस, आर्टिस्ट कैन कम्प्लीटली डिमांड अ डिसेंट एंड सेफ प्लेस फॉर अकोमोडेशन, बट ब्राइड का बजट जितना होगा वैसे होटल में शी विल बुक द रूम। तो ट्रैवल एक्सपेंस चार्ज करना या अकोमोडेशन के लिए उन्हें सजेस्ट करना कि ये होटल आप प्रिफर करोगे, दैट इज प्रैक्टिकल। बट आप डायरेक्टली उन पर इम्पोज नहीं कर सकते कि 4-स्टार के नीचे कहीं भी आई एम नॉट स्टेइंग।
आजकल वेडिंग फंक्शंस के लिए मेकअप आर्टिस्ट को हायर करना ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो गया है एंड कई ऐसे आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे जो अंडरस्टैंडिंग एंड पोलाइट होते हैं, बट ऐसे भी कई आर्टिस्ट होते हैं जो डिमांडिंग रहते हैं एंड एट टाइम्स डिपॉजिट वगैरह वो जब क्लाइंट से ले लेते हैं उसके बाद वो ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं क्लाइंट्स के साथ। एंड इफ यू थिंक ऐसा नहीं होता, डू विजिट दिस पेज, कई स्टोरीज आपको यहाँ मिल जाएंगे। डिपॉजिट लेने के बाद मुआज ने उन्हें रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, या फंक्शन अगर 8 o'clock का है 8:30 तक उनका पता नहीं है, उनको कॉल किया तो वो लोग पिक नहीं करते, लेट आते हैं ब्राइड को रेडी करने के लिए। सोचो ब्राइड उस मोमेंट पे कितना पैनिक में रहेगी एंड दैट इज नॉट फेयर। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर रहे हो तो पहले ही सब डिस्कशन आप कर लो, आपका बजट बता दो एंड ये भी बता दो कि आप कहाँ उनको अकोमोडेशंस दे सकते हो। थोड़ा भी आपको लगे कि कुछ भी वो लोग एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो रहे या अनरियलिस्टिक डिमांड्स रख रहे हैं, देन स्किप देम। एंड आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बात करते वक्त आप भी अंडरस्टैंडिंग एंड पोलाइट रहो। इवन इन माई ओपिनियन ट्रायल लुक्स ब्राइड्स को बिल्कुल भी ना देना कहीं ना कहीं फेयर नहीं है। आई अंडरस्टैंड आपका प्रोडक्ट जाता है इस वजह से आप चार्ज करते हो, पर फुल ब्राइडल लुक करने के लिए आपको कोई नहीं कह रहा। जस्ट आई मेकअप एंड लिप शेड भी अगर आप अप्लाई करके दिखा दोगे कि आप ये लुक प्लान कर रहे हो ब्राइड के लिए तो वो समझ जाएगी। वेडिंग डे पे आप ब्राइड को ऑन द स्पॉट लुक दोगे एंड इन केस उसे वो पसंद नहीं आया तो बुरा दिन उसका खराब हो जाएगा, तो इसमें नो वन इज विनिंग। एंड ट्रायल लुक्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करना इज अंडरस्टूड बिकॉज उनका एफर्ट जा रहा है, बट एक फुल फेस मेकअप के लिए आप जितना चार्ज करते हो उतना चार्ज करना इज नॉट ओके, क्योंकि फिर आप अपने क्लाइंट को लूट रहे हो। ऑल्सो अभी सोशल मीडिया पे कई मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, तो अभी वो लोग क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन देयर फॉलोअर्स काउंट दे चार्ज देयर क्लाइंट्स एंड अगेन दैट्स अप टू देम। बट एज अ क्लाइंट आपको भी अवेयर रहना पड़ेगा कि जो लुक्स वो लोग अपने पेज पे शोकेस करते हैं वो आफ्टर फिल्टर एंड हैवी लाइटिंग में फोटोज लेने के बाद पोस्ट किया जाता है। So don't always fall for such artists. Do your research. Being said that, I would also like to acknowledge that there are many beautiful movers out there जो genuinely efforts लेते हैं अपनी bride को special feel कराने के लिए. They are truly skilled and at times out of the way जाके वो clients की मदद करते हैं. And I totally respect them for that. But at the same time, जैसे सारे industry में कुछ percent लोग authentic नहीं होते, same happens here also. जब उनके डिमांड्स क्लाइंट्स एक्सेप्ट नहीं करते ना तो वो क्लाइंट्स को गिल्टी फील कराते हैं कि वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टिल वो उन्हें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो एज क्लाइंट्स अगर आपको 1% भी ऐसा कोई फील कराए ना तो वहाँ से चले जाओ, बिकॉज एंड में आप किसको भी हायर यही इंटेंशन से करते हो कि एक सेटिस्फैक्ट्री सर्विस आपको दिया जाए, एंड पैसा देने के बाद भी कोई आपको ऐसा फील करा रहा है कि वो आप पहचान कर रहा है, देन दैट इज नॉट ओके। एंड एट टाइम्स क्लाइंट्स भी डिमांडिंग होते हैं, आई एक्सेप्ट दैट, मुआज को भी उनको फेस करना पड़ता है। तो दोनों पार्टीज को ना कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अपने एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स क्लियर रखने चाहिए। एंड जब ये मुआ स्कैम पेज आई विजिटेड तब आई रियलाइज्ड कि वेडिंग या ओकेशन के वक्त ऐसे स्कैम सबसे ज्यादा होते हैं, बिकॉज उस दौरान ब्राइड इज डेस्परेट, डेट फिक्स हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, तो एंड मोमेंट पे वो सामने से मेकअप आर्टिस्ट जो भी डिमांड करता है ना उसे हाँ बोल देती है, एंड ऐसा एक्सपीरियंस वेडिंग डे पे फेस करना इज वेरी सैड। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डू लेट मी नो कि आपने या आपके फैमिली मेंबर से किसने भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस फेस किया है कि नहीं। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।